ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन कॉलेजेस और अकेडमिक एसोसिएशन का अहम अजलास हुआ, जिसमें 17 दिसंबर की रैली के हवाले से पुरअमन एहतजाज के लिए लाहेमल तैयार किया गया। और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन कॉलेजेस अकेडमिक एसोसिएशन के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एप्समा के सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन काशिफ अदीब जावदानी, सीनियर नायब सदर पंजाब एजाज अहमद खान काकड़, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कॉलेजेस एंड अकेडमिक एसोसिएशन दाना अंसर महमूद, चेयरमैन ऑल पंजाब कॉलेजेस अकेडमिक एसोसिएशन इंजीनियर आदिल खलीक, वाइस चेयरमैन ऑल पंजाब कॉलेजेस अकेडमिक एसोसिएशन जुबैर अमीन और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन तहसील के नायब सदर सहेल अहमद व दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कहा कि तालीम बचाओ मुहिम का आगाज़ सबसे पहले शेखपुरा से किया गया और अब हम पंजाब में यह एहतजाज करने जा रहे हैं। रैली का आगाज नासिर बाग तक पंजाब असेंबली हाल पर पहुंचकर अख्ताम पजीर होगा। इनका मजीद कहना था कि हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए और SOPs के तहत तमाम तालीमी इदारे खोलने के आर्डर सादर किए जाएं। तालीमी बंदिश की वजह से हमारा मुल्क को पहले ही बहुत नुकसान का सामना है। हमारे हमसाया मुल्क की नस्बत पाकिस्तान में शरह खानदगी पहले ही ज़्यादा है और यही सही कसर हुकूमत ने कोरोना के बहाना से स्कूल बंद कर निकाल दी है। हमें मजबूर न किया जाए कि हम मुलगीर एहतजाज की कॉल दें।